हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुल्तान और आज मैं आपको बताऊंगा सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में, जो कि रूटीन कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है जो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। और आज हम जानने वाले हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। तो जैसे कि हम देखते हैं कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ये बीमारियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हार्ट के कोई ब्लड वेसल्स में ब्लॉक होने की वजह से, हार्ट के कुछ एरिया को ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसी टेस्ट हो कि जिसके ज़रिए हम हार्ट के ब्लड वेसल्स में कितना ब्लॉक है ये जान सकें। तो पहले जो कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती थी, उसके अंदर आपके आपके बॉडी के अंदर या तो रिस्ट में से या तो ग्रॉइन में से एक तार पास किया जाता था, वायर, जिसके ज़रिए एक उसके बाद आपके हार्ट उसे उसे आपके हार्ट तक पहुंचाया जाता था और वहां पर एक डाई इंजेक्ट की जाती थी और उसके एक्सरेज लिए जाते थे। ओल्ड कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास एक दिन दो दिन एडमिट होना पड़ता था और ये प्रोसीजर कार्डियोलॉजिस्ट करते थे और इसका रूटीनली खर्च 15 से 20 हज़ार रुपये आता था। तो और इसके बाद बहुत और ऐसा हो जाता था कि कार्डियोलॉजिस्ट ऑन ऑन टेबल आपको पूछते थे, आपको बताते थे कि इतना इतना ब्लॉक है और इसे सर्जरी करना इमीडिएट ज़रूरी है। तो वहाँ पर आपको डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती थी, आपको ऐसा लगता था कि क्या सच में इतना ब्लॉक है या नहीं है, और अगर होगा तो इमरजेंसी में सर्जरी करना या नहीं करना। तो ये सब बातों से अब छुटकारा मिल गया है। अब एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी आ गया है जिसमें ऐसा कोई तार वायर जो कि बॉडी में इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस तरह से नॉर्मल सीटी स्कैन करते हैं, ये टेस्ट पूरी तरह से पूरा उसी तरह से किया जाता है। अब सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है कि पेशेंट को जिस दिन सीटी स्कैन करना है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करना है, उसके एक नाइट पहले से कुछ खाना नहीं है और पीना नहीं है, और जिस दिन सीटी स्कैन करना है उस दिन उसे एक कॉन्ट्रास्ट का आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन दिया जाता है और पेशेंट को कुछ ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट कम रहे, और दूसरी एक तरह की मेडिसिन दी जाती है जिसकी वजह से उसके हार्ट के ब्लड वेसल्स थोड़ी डायलेट हो सके ताकि इमेजेस अच्छे से ले सके। तो आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट देने के बाद पेशेंट को मशीन में लेटाया जाता है और उसके मल्टीपल एक्सरेज लिए जाते हैं और एक्सरेज लेने के बाद में ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर करने के लिए 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी यूजुअली उसका कॉस्ट होता है 15,000, 15 से 20 हज़ार रुपये आजकल बड़े बड़े सिटीज़ में लगते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा है कि इसे डिस्काउंट के तौर पे 8 से 10 हज़ार रुपये में भी किया जाता है। तो ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी अभी मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल है, हर जगह पर पहुँचा नहीं है। इंडिया में ये कुछ बड़े बड़े सिटीज़ में ही अवेलेबल है। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ये एक अच्छा डायग्नोस्टिक टूल है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे हार्ट के ब्लड वेसल्स में ब्लॉक है या नहीं है, या फिर कितने लेवल तक, कितने परसेंट ब्लॉक हो चुका है, ये भी इससे पता चलता है। अब सवाल ये है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी जो पहले कार्डियोलॉजिस्ट करते थे वो, और आज जो की जा रही है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, क्या दोनों प्रोसीजर में एक्यूरेसी या फिर जो डायग्नोसिस क्राइटेरिया है वो सेम है? तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों टेस्ट सेम हैं, क्योंकि कोरोनरी एंजियोग्राफी में भी और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में भी, दोनों में भी जो रिजल्ट्स आते हैं वो नियरली इक्वल होते हैं। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें कोई वायर या कोई तार आपके बॉडी में इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हम एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, मीन्स हमको हार्ट में ब्लॉक है या नहीं ये जानने के लिए कोई भी अच्छा इंसान भी जाकर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकता है, और वही जो ओल्ड कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती थी उसमें वो इन्वेजिव होने की वजह से उसमें एक दिन एडमिट होना पड़ता है और उसमें रिस्क भी होता है काफ़ी, इस वजह से वो टेस्ट करना मुश्किल था। लेकिन अब हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं। हमारे ओल्ड जो जो कि पेरेंट्स है या कोई रिलेटिव्स है जिनका वेट ज़्यादा है, ओबेज है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है,
ऐसे ऐसे लोगों की कोरोनरी एंजियोग्राफी सीटी स्कैन के ज़रिए कराना चाहिए। तो ये एक बेस्ट टेस्ट है और आप इसकी जानकारी लीजिए कि आपके सिटीज़ में, आपके पास के सिटीज़ में अवेलेबल है या नहीं है, और ये करना बहुत आसान है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके हार्ट में ब्लॉक है या नहीं है या कितने लेवल तक है, तो उसके हिसाब से आप उसका आगे का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के कोई कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हाँ, जिनको कॉन्ट्रास्ट की एलर्जी है, आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट की एलर्जी है, उन पेशेंट में कुछ खास ध्यान दिया जाता है और उन्हें कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ताकि उन्हें सीटी स्कैन, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करते वक्त उसकी एलर्जी, आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट की एलर्जी ना हो। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।